Chandralekha, jab jab tujhko dekha, I had the feeling, first time tujhko dekha. दोस्तों आज का वीडियो काफी हेल्पफुल हो सकता है हमारे सभी दोस्तों के लिए जो फेसबुक व्हाट्सएप मैसेंजर यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम इसके लिए गजब की ट्रिक लाए हुए हैं। तो देखो इसमें फेसबुक व्हाट्सएप और मैसेंजर में गजब की जो एक यहाँ पे फीचर है वो ये है कि यहाँ पे हम फ्री में कॉल कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा मेन बैलेंस नहीं खत्म होता, यहाँ पे हमारा इंटरनेट जरूर खत्म होता है, लेकिन वो भी क्या है यार, जियो आ गया तो यहाँ पे इंटरनेट की कोई समस्या तो रहती नहीं। तो यहाँ पे हम आपके लिए गजब का फीचर लाए हैं। तो देखो कई बार ऐसा होता है कि हम फेसबुक व्हाट्सएप या फिर मैसेंजर में यहाँ पे हम किसी को कॉल करते हैं तो हमको लगता है कि यार हमको उस कॉल को रिकॉर्ड करना है, तो यहाँ पे हम ये नहीं कर पाते क्योंकि यहाँ पे इस व्हाट्सएप में मैसेंजर में ये फीचर नहीं है कि हम अपनी कॉल को रिकॉर्ड कर पाए। तो यहाँ पे हम फ्री में बात तो कर लेते हैं लेकिन उस कॉल को रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे जो हम टिप्स लाए हुए हैं एक ऐप के बारे में हम बताएंगे जिसके जरिए आप अपने फेसबुक में बात कर रहे हो या मैसेंजर में या फिर व्हाट्सएप में बात कर रहे हो या फिर अपने आप फोन से मेन बैलेंस से कॉल कर रहे हो किसी को, तो वो सारे कॉल यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगी और वो भी बहुत आसान तरीके से, यानी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे यदि आप जाते हो तो यहाँ पे देखो इस ऐप का नाम है क्यूब एसीआर, ठीक है। तो इसको हम आपको बाद में बता देंगे कैसे इसे इंस्टॉल करना है। तो फिलहाल इसको हम ओपन करते हैं। इसको ओपन करने के बाद नीचे देखो नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, इसको हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद एग्री करते हैं और एग्री करने के बाद इसको परमिशन दे देते हैं, तो हमने कर दिया अलाउ और यहाँ पे ओके कंटिन्यू, ठीक है। इसको हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम फिर फोन पे क्लिक करते हैं। फोन पे क्लिक करने के बाद चलो ये फोन पे हम पहुंच गए, अब हम जाते हैं बैक, ठीक है। बैक जाने के बाद यहाँ पे थ्री लाइन पे आपको क्लिक करना है और थ्री लाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ देखो सबसे ऊपर है इनेबल रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपको इसको इनेबल कर लेना है और यहाँ पे फिर आता है सेटिंग, सेटिंग पे आपको रिकॉर्डिंग पे क्लिक करना है, ठीक है। रिकॉर्डिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो इसको आपको ऑन कर लेना है, ऑटो स्टार्ट रिकॉर्डिंग, इसको आपको इनेबल कर लेना है। तो फिर से क्लिक करना है और यहाँ सेटिंग्स ऑप्शन में मिसलेनियस करके एक ऑप्शन है, इसको आपको क्लिक करना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आप नीचे जाओ और नीचे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है गो टू ऐप कॉन्टेक्ट सेटिंग, ठीक है। आपको इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी में आपको यहाँ पे परमिशन देनी होती है, तो आप ढूंढ लो आपके में कहाँ है। तो यहाँ पे हमारे पास क्यूब कॉल रिकॉर्डर आ गया, ठीक है। इसको हमको ऑन कर देना है, यहां से हमने कर दिया ऑन और हम कर देंगे ओके, ठीक है। अब यहाँ से हमारा ऑन हो गया है, अब हम जहां पे भी कॉल करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाया करेगा रिकॉर्ड करने का। तो मैं आपको दिखाता हूँ, आप व्हाट्सएप से किसी को कॉल करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप में आप जाते हैं और व्हाट्सएप में यहाँ पे हम इनको कॉल कर लेते हैं। देखो जैसे हम इनको कॉल करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास देखो आइकन आ चुका है कॉल करने का, तो यहाँ पे जो जब इनसे हमारी बातें होगी तो यहाँ पे इसका कॉल रिकॉर्ड हो जाएगा। और यदि हम मैसेंजर में जाएं तो मैसेंजर में यदि हम इनसे बात करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखो हमने कॉल किया इनको और यहाँ पे देखो जैसे कॉल हम इनको लगाते हैं तो यहाँ पे देखो ये आइकन आ चुका है, तो यहाँ पे भी जैसे ही इनसे बात होने लगेगी तो यहाँ पे कॉल रिकॉर्ड होने लगेगा। साथ ही यदि हम जाते हैं अपने यहाँ पे हम मेन बैलेंस यदि कॉल करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी हम जाते हैं तो यहाँ पे देखो जैसे हम इसको कॉल करते हैं अपने दोस्त को तो यहाँ पे देखो ये आइकन आ चुका है इसको कॉल करने के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों ऐसे ही हम जिससे भी बात करेंगे फेसबुक व्हाट्सएप मैसेंजर में या फिर अपने मेन बैलेंस से भी कॉल करते हैं किसी को तो यहाँ पे हमारी कॉल रिकॉर्ड हो जाती है। तो दोस्तों इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए आपको जाना है प्ले स्टोर में और प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको सर्च करना है क्यूब एसीआर, ठीक है। आप इसको सर्च कर लीजिए और आप इसको कर लीजिए इंस्टॉल। वैसे आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा तो आप इसको यहाँ पे क्लिक करके आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसको लाइक करें और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।